बांदा जनपद के बिसंडा थाना अंतर्गत लौली टिकामऊ में दबंगई का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां अपने खेत पर काम कर रही विधवा महिला से गांव के ही दबंग राजू और राधे ने गाली गलौज करते हुए मारपीट व अभद्रता की। न्याय की आस में बांदा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़ित विधवा महिला ने गुहार लगाते हुए बताया कि उक्त घटना को लेकर थाने पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन दरोगा जी ने एक अन्य महिला से दूसरा प्रार्थना पत्र लिखवाकर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए। सही घटना की पूरी जानकारी प्रार्थना पत्र में नहीं लिखी। पुलिस अधीक्षक को लिखे प्रार्थना पत्र पर दरोगा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला ने कहा कि दरोगा जी मदद नहीं कर रहे हैं। वहीं दबंग कभी भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आज काहे के लिए आई थी? एप्लीकेशन दे। क्या है मामला? काल खेत में अरहरी बाव लगाई रहा तो खूब गारी दिन तक खूब मारू है भूपत कलर का गेट का खूब गारी दिन है खूब अगड़ही में लेथा पानी में मारू हम ब्लाउज फाड़ा रू है चिड़ी बिड़ी धोती फाड़ा रही है ना मानत हो तो चला बा घर में धारा तो देखवा दियो जत जाऊ नहीं जाऊ गाड़ी दू तो फलान गाय के रही तो गाय यही तो फलान है तो रंडी यही तो फलान दुकान है कहीं ऐसे कहीं कचो जब गाँव भर बैठ पर रहते तक हम कहता हाथ गंज कर हम हाथ धो ले पुलिस के पास गई थी। हाँ पुलिस एफसी साहब के पास गई। नहीं थाने नहीं गई? थाने गई रहा। क्या कहा? तो थाने एप्लीकेशन दे आई रहा कहा कि हम चलो हम आते हैं तो शाम के दो पुलिस वाले भेज दे रहा तो वो पूछताछ के चले गई हमें। एफ आई आर नहीं लिखी गई? एप्लीकेशन लिख के दया ही रहा लिखवा के दया ही रहा। तो रिपोर्ट लिखी गई? नहीं लिखी है। तो आज एसपी से मिली है तो क्या कहा एसपी साहब ने? एसपी साहब ने कहा है कि जाओ हम आदेश कर देंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।